राजस्थान में बसा एक छोटा सा शहर अलवर, और अलवर के हर कोने में बसे न जाने कितने मंदिर, और इन मंदिरों में गूंजती हुई घंटियों की आवाजें हमें उस अंधे के भगवान का हमारे आसपास होना याद दिलाती रहती हैं। और यही अलवर से कुछ दूरी पर है भानगढ़, दुनिया की सबसे 10 हॉन्टेड जगहों में से एक, और ये बात बिल्कुल सच है। कई वेबसाइट्स ने भी इसका दावा किया है, और यही नहीं, इस किले के बाहर लगे हुए बोर्ड्स पर भी ऐसा लिखा है कि किसी का भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले तक इस किले में जाना या किले में रुकना प्रतिबंधित है, और अगर गलती से भी कोई इस किले में रात को रुक गया तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इस किले के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इस किले की रानी रानी रत्नावती काफी सुंदर थी, और एक तांत्रिक इनके खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया, और उस तांत्रिक ने उन्हें अपने बस में करने की कोशिश की, और एक तेल को मोहिनी बनाकर रानी को अपने बस में करना चाहा, ताकि जैसे ही रानी रत्नावती उस तेल को अपने सर में लगाए तो वो उस तांत्रिक के मुंह में फंस जाए। पर रानी रत्नावती भी काफी आध्यात्मिक थी, भगवान पर उनका पूरा विश्वास था, और वो ये समझ गईं कि ये तेल मोहिनी है, और उन्होंने कहा कि इस तेल को जिसने भी अभिमंत्रित किया है ये तेल उसके सर पर बैठ जाए और उसे खत्म कर दे। उस तांत्रिक को अब ये समझ आ गया था कि उसका बसना नामुमकिन है, तो उसने भी ये श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति अपनी जान बचाना चाहता है तो सूर्योदय से पहले इस भानगढ़ के किले से निकल जाए। और तब से आज तक भानगढ़ का किला श्रापित है, ना तो यहाँ कोई बस पाया है और ना ही यहाँ किसी भी प्रकार की हरियाली बची है, और इसलिए सरकार भी ये मानती है कि यहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है, और इसलिए किले के बाहर चेतावनी के बोर्ड भी लगाए हुए हैं, क्योंकि उस तांत्रिक की आत्मा आज भी इस किले में भटक रही है। ये तो हो गया भानगढ़ किले का इंट्रोडक्शन, अब हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जब एक सीरियल झांसी की रानी के एक एपिसोड को शूट करने के लिए जब पूरी टीम इस किले पर पहुंची, तो जो भी उन्होंने इस किले पर महसूस किया, जो भी देखा और जो भी उनके साथ यह घटना घटी, वो सब कुछ उन्होंने इस एपिसोड में बताया है। भानगढ़ किले की कहानी तो सच है, पर जो भी इस एपिसोड में बताया गया है उसकी सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं करता, जो भी इस एपिसोड में बताया गया है मैंने सिर्फ वही एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इस स्टोरी पर फोकस करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम झांसी की रानी की पूरी टीम को शूटिंग के लिए भानगढ़ किले की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां झांसी की रानी सीरियल के डायरेक्टर धर्मेश सभी क्रू मेंबर को भानगढ़ किले की सच्चाई के बारे में बता रहे थे कि भानगढ़ का किला एक तांत्रिक की वजह से श्रापित है, और वो किस लिए वो आपको मैं एपिसोड की शुरुआत में ही बता चुका हूँ। भाई इस कहानी को इस टीम का मेन कैमरामैन दीपक इस कहानी को सच नहीं मानता, और वो कहता है कि ये सब अफवाह है, सिर्फ टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए ही ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। मैं जो भी कैमरे में देखता हूँ मैं सिर्फ उसी को सच मानता हूँ। पर उसी टीम के ड्रेस दादा नंदू कहते हैं कि सर हवा दिखती नहीं पर वो है, खुशबू दिखती नहीं पर वो भी है, उसी तरह भूत प्रेत भी दिखते नहीं पर वो है। मेरा तो विश्वास है इस किले की सच्चाई में। और तभी अचानक से बस रुक जाती है और कैमरामैन दीपक का सर जोर से सीट के ऊपर ठुक जाता है। जब समीर कहता है कि दीपक जी आप पर ये पहला अटैक था भूत का, संभल कर रहिएगा आगे पता नहीं क्या होगा, पर उल्क काफी एक्साइट थी इस हॉन्टेड लोकेशन पर जाने के लिए, और इन्हीं सब बातों में फाइनली सभी भानगढ़ किले पर पहुंच जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है उस टीम के साथ घटी हुई घटनाओं का सिलसिला। और जब धर्मेश शूटिंग की शुरुआत करने के लिए जब ड्रेस दादा नंदू को नारियल फोड़ने के लिए कहता है तो नारियल काफी बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं फूटता, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। पर धर्मेश कहता है कि कोई बात नहीं, लगता है आज भगवान बिजी है, वैसे भी हमारे पास वक्त काफी कम है, हमें 5 बजे से पहले ही शूट खत्म करके किले से बाहर निकलना है, चलो सभी शूट की तैयारी करो। भाई जब शूटिंग चल रही होती है तो अचानक से मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ डिस्टरबेंस आने लगता है, और तभी अचानक से किसी का चेहरा उस स्क्रीन पर आ जाता है जिसे धर्मेश भी देखता है, और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सभी सुनते हैं, पर सभी इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वही जब झांसी की रानी और पुलका जब इस किले को देखने अकेली जाती है तो उसे वो किला काफी ब्यूटीफुल दिखता है, जिसे देखकर वह मोहित से हो जाती है कि पहले के राजा महाराजा किस ठाट बाट से यहाँ रहते होंगे, काश मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ रह पाती। और तभी उसके पीछे नंदू आ जाता है
जो कहता है उल्का, इस किले के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम अकेले घूम रही हो, और वो भी इन खुले बालों में। जल्दी से अपने बाल बांधो और ये ले तुम्हारी ड्रेस, तुम्हारा शॉट रेडी है। और ये कोई फिल्म सिटी का लगा हुआ सेट नहीं है, ये जगह श्रापित है, जाओ यहाँ से। वही जब नंदू वापस जा रहा होता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो देखता है कि किले के शिखर पर कोई अजीब सी रोशनी उड़ रही है, और उसे यकीन हो जाता है कि ये जगह सच में श्रापित है, और वो डरते हुए वापस सूट पर चला जाता है। वही सूट पर लगातार कुछ न कुछ घटनाएं घट रही थी। एक आदमी के सर पर लकड़ी की बल्ली गिर जाती है, कैमरों में डिस्टरबेंस भी आने लगते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग में भी कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट पप्पू ने भी रिकॉर्ड कर सेव कर ली थी। वो आवाज थी, और सूट पर आए हुए घोड़े भी अचानक से बिचकने लगते हैं, किसी को देखकर डरने लगते हैं, जिस वजह से पूरा सेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। कई क्रू मेंबर्स तो घायल भी हो चुके थे, और शूटिंग का पहला दिन काफी खराब जाता है। और जब शूटिंग अगले दिन स्टार्ट होती है तो धर्मेश सभी को डायरेक्शन दे रहा था कि किसे कैसा एक्ट करना है, पर तभी दीपक जो कैमरामैन था उसे कैमरे और मॉनिटर पर कुछ डिस्टरबेंस होता दिखाई देता है, और वो मॉनिटर को फिर से रीस्टार्ट करता है तो स्क्रीन पर उसे उल्का के पीछे एक लाइट बॉय दिखाई देता है, और वो कहता है यहाँ लाइट्स की जरूरत नहीं है, हटाओ वहाँ से, लाइट को हटाओ वहाँ से। और जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, और तभी उसे स्क्रीन पर किसी का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है, और उसे भी ये यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी दौरान उल्का जब थोड़ा दूर जाकर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसे कुछ गुलाबी फूल दिखाई देते हैं, और जब वो उन्हें तोड़कर सूंघती है तो उसमें से उसे काफी अच्छी खुशबू आ रही थी, और तभी उसे एक तेल की शीशी दिखाई देती है, और वो शीशी को उठा लेती है, और कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिर जाती हैं, और ये सब वो तांत्रिक देख रहा था। भाई उल्का को वो कहानी याद आती है जो इस तेल से जुड़ी थी, पर तभी उसका शॉट रेडी हो चुका था, और वो सूट के लिए चली जाती है, और वो तेल और फूल वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं जब उल्का अपने शॉट दे रही थी कि तभी अचानक से उल्का को भी आवाज सुनाई देती है, और उल्का रानी रत्नावती की तरह बात करने लगती है, जो कह रही थी कि रानी रत्नावती के महल में तुम्हारी इस तरह खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई। और इसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं कि उल्का मजाक कर रही है, पर तभी उल्का फिर से कहती है कि निकल जाओ हमारे महल से, वरना सब मारे जाओगे। और तभी उल्का अपने होश में आ जाती है और पूछती है कि आप सब लोग इस तरह हंस क्यों रहे हो, और ये कहकर उल्का बेहोश होकर गिर जाती है, जहाँ सभी काफी परेशान हो जाते हैं कि उल्का को आकर हुआ क्या। और जब उसे होश आता है तो समीर कहता है कि चलो मैं तुम्हें बेनिटी बेन तक छोड़ दूं, पर उल्का कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, और वो फिर से उस किले के आकर्षण में आकर दोबारा महल में घूमने के लिए चली जाती है, पर शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वहीं धर्मेश फिर से घोड़ों का सूट करने का दीपक को डायरेक्शन दे रहा था कि हमें ऐसे सूट करना है, पर तभी एक बार फिर से घोड़े बिचक जाते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। कंट्रोल करने के बाद भी वो घोड़े काबू में नहीं आ रहे थे, और इससे परेशान होकर धर्मेश पैकअप कर देता है, और सभी क्रू मेंबर वापस अपनी होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। पर होटल पहुंचने के बाद किसी को भी उल्का दिखाई नहीं देती, और न ही किसी को पता था कि उल्का कहाँ है, और उन्हें शक होता है कि कहीं उल्का उसी किले में तो नहीं रह गई। और सभी लोग उल्का को ढूंढने के लिए वापस उसी किले की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि उल्का भानगढ़ के किले में बेहोश पड़ी है, और जब उसे होश आता है तो वो उस किले में अकेली थी। वो काफी डर जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, और आवाज भी लगाती जा रही थी कि कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करने यहाँ आ जाए, पर तभी उल्का अपने आप को रानी रत्नावती की जगह महसूस करने लगती है, और उसके आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। सभी उल्का को देखकर रानी रत्नावती कहकर प्रणाम कर रहे थे, और तभी उल्का एक तेल और इत्र बेचने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि हमें एक ऐसा विशेष इत्र वाला रोगन चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं लगाया हो, जिसकी सुगंध काफी अच्छी हो। और तभी वो तांत्रिक वहाँ जाता है और उल्का का हाथ पकड़ लेता है, जो उल्का कहती है कि यह दुष्ट तांत्रिक हमें छोड़ दे, तेरे मंसूबे कभी भी सफल नहीं होने वाले। पर वो तांत्रिक कहता है
कि रानी रत्नावती, आज मैं आपको हासिल करके ही रहूंगा। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और जब आपने इस रोगन को स्पर्श किया तो मुझे मेरी प्रतीक्षा का फल भी मिल गया। रानी रत्नावती और वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उल्का को बांध कर उसे मारने लगता है, उसे प्रताड़ित करने लगता है और उसे काफी घायल भी कर देता है। जहाँ उल्का काफी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वही दूसरी तरफ जब सभी कार से उल्का को ढूंढने आ रहे थे तो उनकी गाड़ी भी अचानक से खराब हो जाती है और सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उल्का हमें सही सलामत मिले और जल्द से जल्द सुबह हो जाए। वही उल्का जल्द से जल्द किले से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, पर वो तांत्रिक हर जगह उसका पीछा कर रहा था। जहाँ उल्का कहती भी है कि मैं रानी रत्नावती नहीं हूँ, मैं उल्का हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और तभी उल्का को याद आता है कि किले के अंदर घुसते ही एक हनुमान जी और शंकर जी का मंदिर है और मुझे किसी भी तरह मंदिर तक पहुंचना होगा। पर वो तांत्रिक एक बार फिर से उल्का के सामने आ जाता है, पर इस बार उल्का के अंदर रानी रत्नावती का अंश आ जाता है जो कहती है कि मैं पहले भी तुझे मार चुकी हूँ और इस बार भी तुझे मैं मौत की घाट उतार दूंगी। और उल्का अपने होश में आ जाती है और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। जहाँ वो तांत्रिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उल्का एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस तांत्रिक को मार देती है और वो अभिमंत्रित रोगन वो तेल उसी तांत्रिक के हाथ पर गिर जाता है। और उल्का एक बार फिर से उस तांत्रिक को वो पत्थर मारती है और वो तांत्रिक एक बार फिर से मारा जाता है, लेकिन सिर्फ उसी समय के लिए। और उल्का वहाँ से भागकर मंदिर में जाकर बेहोश हो जाती है। वहीं अब सुबह भी हो जाती है और बाकी टीम मेंबर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी उल्का को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आती है। और इसके बाद उन्होंने इस किले में शूटिंग वापस की या नहीं, ये हमें इस स्टोरी में नहीं बताया गया। और इसी के साथ ये भानगढ़ किले में हुई झांसी की रानी शूटिंग का एपिसोड का दी एंड हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी कुछ हादसे इतने पावरफुल होते हैं कि वो जहाँ घटते हैं उस जगह पर उस घटना का असर हर समय रहता है। कहते हैं कि जिन लोगों के साथ या जिन लोगों की वजह से कोई ट्रेजेडी हुई है तो अक्सर उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा उसी जगह पर कैद होकर रह जाती है। और अगर दोबारा वैसी ही पर्सनालिटी का कोई और शख्स उसी जगह पर पहुँच जाए या किसी भी कारण से वहाँ कुछ ऐसा हो जाए जो उस पहले हुई घटना से मिलता जुलता हो तो भाई हादसा एक बार फिर से सक्रिय हो जाता है या दोबारा घट सकता है और वहाँ की सुपर नेचुरल पावर्स दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं। और इसी वजह से जब उल्का ने किसी रानी की तरह कपड़े पहने, रानी रत्नावती की तरह बात की और उस किले में गई तो भाई घटी घटना फिर से उसके साथ घटी, ये ऐसा हो सकता है। वैसे इस एपिसोड में समीर और उल्का ने अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया और उल्का ने भी कहीं पर भी नहीं बताया कि उनके साथ ये घटना घटी। और एक बात और कि दिन में कई लोग और टूरिस्ट इस भानगढ़ के किले में घूमने जाते हैं, पर दिन के उजाले में किसी के साथ भी कोई घटना नहीं घटी। हाँ, रात को कुछ भी हो सकता है, पर इस सीरियल की शूटिंग दिन में हो रही थी और उनके साथ घटी सारी घटनाएं दिन में हुई, जिसे देखकर मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित नहीं है बल्कि उस घटना को प्रदर्शित करने का एक तरीका हो सकता है जो भानगढ़ किले में घटी थी। आपका क्या मानना है इस स्टोरी को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।